नेक्स्ट बनता है समीप। समीप क्या है? स्टूडेंट्स एंड MEA इंगेजमेंट प्रोग्राम। अब MEA क्या है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर आपको फुल फॉर्म्स पता होंगे तो आप इनके अंडर जो भी चीजें हैं वो समझ पाओगे। जैसे ही समीप आएगा आप जान जाओगे कि ये एक तरीके का एंगेजमेंट प्रोग्राम है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड MEA ऑफिशियल्स या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल्स। यहाँ पे क्या है, जो MEA ऑफिशियल्स है वो क्या करेंगे, एक तरीके से बात करेंगे स्टूडेंट्स से, एक तरीके से उनको बताएंगे, उनको हेल्प करेंगे इन गिविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी इन अ बेटर वे। फॉरेन पॉलिसीज क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स लेंगे, है ना, तो उसमें वो उस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ये याद रखना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA हैज लॉन्च्ड समीप। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MEA हैज लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम समीप। Then next, it is an outreach mission that aims to take Indian foreign policy and its global engagement to students across the country. तो इंडिया की जो foreign policies हैं, जो global engagement है, उनको students को बताना, उनको समझाना across the country, इसका main mission यही है, right? और objective क्या है? Objective है कि familiarize करना school के students को, college students को, कि वो इंडिया की फंक्शनिंग समझ सके या वो इंडिया की MEA की फंक्शनिंग को समझ सके। MEA कैसे काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे पॉलिसीज बनाते हैं, कैसे अपनी फंक्शनिंग करते हैं, एवरीथिंग वो अपने स्टूडेंट्स को बता सके। सो इट ऑल्सो सीक्स टू इंट्रोड्यूस देम टू की एलिमेंट ऑफ इंडियाज फॉरन पॉलिसी, क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं इंडिया की फॉरन पॉलिसी के लिए और क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराना बच्चों के सामने, वो भी MEA ऑफिशियल्स का काम है इस प्रोग्राम के थ्रू। देन इट इज अ वॉलेंट्री प्रोग्राम फॉर MEA ऑफिशियल्स, एक तरीके का जो नेक्स्ट थिंग है कि वॉलेंट्री, इट इज अ वॉलेंट्री प्रोग्राम। तो MEA के लिए ऑफिशियल्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल्स के लिए ये एक तरीके का वॉलेंट्री प्रोग्राम है कि वो अपने होम टाउन में, जब वो अपने लीव पे हो तो अपने होम टाउन में जाकर इंगेज हो सके, इंटरेक्ट हो सके विद द स्टूडेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड उनको बता सके कि कैसे MEA वर्क करता है, कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फ्रेम होती है, कैसे एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, हाउ दे डू डिप्लोमेसी सो दैट स्टूडेंट कैन कंसिडर अबाउट दिस एज अ करियर ऑप्शन एज वेल। किस तरीके से बच्चों को इतना इंकरेज करें कि इससे क्या हो कि बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन ट्रेड को वो क्या कर सके, एज अ करियर ऑप्शन भी चूज कर सके। तो इसमें मेन जो चीजें हैं लर्न करने वाली वो आपको पता होनी चाहिए, समीप का फुल फॉर्म, स्टूडेंट्स एंड MEA एंगेजमेंट प्रोग्राम। जैसे ये फुल फॉर्म आपके ध्यान में आएगा तुरंत समझ जाओगे कि इनके इस प्रोग्राम के अंडर क्या चीजें आई हैं। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MEA हैज लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम। देन इट इज अ वॉलेंट्री प्रोग्राम जहां पे MEA ऑफिशियल्स अपने होम टाउन में जाएंगे लीव पे और इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स, उनको बताएंगे कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शनिंग होती है, एवरीथिंग, ठीक है। समीप प्रोग्राम इज फॉर दिस ओनली। नेक्स्ट है गूगल एंड NCERT ज्वाइन हैंड्स टू टीच स्टूडेंट्स डिजिटल सेफ्टी। तो यहाँ पे एक तरीके से जो भी बच्चे आजकल, पता है कि कितना एडवांसमेंट हो गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, ज्यादा ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सो फॉर इंटरनेट सेफ्टी ट्रेनिंग इन स्कूल्स, ये एक तरीके से प्रोग्राम, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये एक पैक्ट साइन हुआ है बिटवीन गूगल एंड NCERT। यहाँ पे एक तरीके का ये कोर्स है ऑन डिजिटल सिटीजनशिप एंड सेफ्टी, दैट मीन्स कोर्स का नाम क्या होगा, डिजिटल सिटीजनशिप एंड सेफ्टी इन ICT करिकुलम। बच्चे ICT एज अ सब्जेक्ट अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो डिजिटल सिटीजनशिप एंड सेफ्टी को एक तरीके का कोर्स है जो कि ICT करिकुलम में ऐड करने की बात की गई है बिटवीन द, ये एक तरीके का पैक्ट साइंड हुआ है बिटवीन गूगल एंड NCERT। पैक्ट साइंड कब हुआ है, Feb 6 को, जिसे बोला गया सेफर इंटरनेट
डे। इस दिन उन्होंने दोनों ने ज्वाइन किया हैंड टू टीच स्टूडेंट अबाउट डिजिटल सेफ्टी। तो ये कोर्स जो है वो बेसिकली इसीलिए लिया गया, इसीलिए लाया गया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग्स द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया टू मेक इंटरनेट अ सेफ स्पेस। दैट मीन्स अवेयर करने के लिए, जो यंग जनरेशन है इंडिया की उनको अवेयर करने के लिए कि इंटरनेट को वो सेफ स्पेस बना सके। ओके, किसी भी तरीके का साइबर क्राइम वगैरह ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये चीजें आई। सो कंप्लीट कोर्स जो होगा वो डिवाइड होगा इन कैटेगरीज लाइक बीइंग स्मार्ट, बीइंग सेफ, बीइंग अ डिजिटल सिटीजन, बीइंग फ्यूचर रेडी। सो इस तरीके से हेल्प करेगा स्टूडेंट को टू आइडेंटिफाई द बिटवीन द गुड एंड बैड कंटेंट। राइट, वो क्या कर पाएंगे इन थीम्स को, जब वो कोर्स को इन थीम के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो वो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इंटरनेट पे कौन सा गुड एंड बैड कंटेंट है और जो कि प्रमोट करेगा डिजिटल सेफ्टी। सो 2018 में इस पैक्ट को साइन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2018 में गूगल एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा ऐसे कि गूगल एंड एनसीईआरटी ने किस सब्जेक्ट पे या किस पे आपका पैक्ट साइन किया है, तो दे गूगल एंड एनसीईआरटी ज्वाइन हैंड्स टू टीच स्टूडेंट अबाउट डिजिटल सेफ्टी। तो टॉपिक क्या है, डिजिटल सेफ्टी, जिसपे गूगल एंड एनसीईआरटी ने ज्वाइन किया है। क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे बेसिकली आपको लड़ने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी यहाँ क्यों यूज हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी करिकुलम फ्रेम करता है। तो आईसीटी करिकुलम में एक सब्जेक्ट और अ कोर्स डिजिटल सिटीजनशिप एंड सेफ्टी को ऐड करना, इंटीग्रेट करना, ये इसीलिए गूगल एंड एनसीईआरटी का दोनों का ही एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स पीएमआरएफ स्कीम। बहुत बार और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली भी पूछा जा चुका है कई कॉम्पिटेटिव पेपर में ये क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। अब ये है क्या, इस स्कीम के अंदर जितने भी डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं जो कि परस्यू कर रहे हैं रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है, तो ये किसके लिए है, ये स्कीम इज फॉर डॉक्टरल स्टूडेंट परस्यूइंग रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ ये इस वर्ड पे ध्यान रखना है कि ये पीएमआरएफ स्कीम किसके लिए है या प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप किसके लिए है, उन बच्चों के लिए जो कि रिसर्च परस्यू कर रहे हैं इन द एरियाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। सो इट एम्स टू रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। एक तरीके से ये स्कीम इसीलिए आया है जो कि देखते हुए कि इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की अपने नेशन की डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए, तो इस स्कीम को लाया गया। अभी जो फेलोशिप स्कीम है इसे अनाउंस किया बजट स्पीच ऑफ 2018-19 में इसे अनाउंस किया, इम्प्लीमेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कब तक के लिए, इम्प्लीमेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। सो बिगिनिंग क्या होगी 2018-19, टोटल कॉस्ट 1650 करोड़ पे एक तरीके से ये कॉस्ट लगी है और इम्प्लीमेंटेशन कितने सालों का हुआ है, 7 ईयर्स का, और बिगनिंग 2018-19 से होगी। तो यहाँ पे 80,000 per month फेलोशिप स्कॉलरशिप या आप बोल सकते हो फेलोशिप मिलेगी। दैट मीन्स द फैसिलिटी फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड टू द कैंडिडेट्स। जो भी जितने भी बच्चों को यहाँ पे ऑफर की जाएगी वो होगी IIT-IISc कंसिडर करेगा किस बेसिस पे वो ऑफर करेंगे, बट उन बच्चों को 80,000 per month फेलोशिप यहाँ पे मिलेगी। राइट, और बस इम्पोर्टेंट आपको यही याद रखना है कि किन एरियाज में, तो उनके लिए जो कि रिसर्च कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। इसीलिए आपसे कई बार क्वेश्चन था कि ये पीएमआरएफ स्कीम किस यूनिवर्सिटी को या किस एरियाज में किस इंस्टीट्यूट को प्रोवाइडेड है, तो उसमें ऑप्शन था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आपका IIT-IISc, या एक में था IIT-SC, एक में था आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी IIT एंड IISc। तो आपको बस और बस यही याद रखना है, टेक्नोलॉजी जब वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स IITs एंड IISc। तो जो स्टूडेंट IIT-SC के हैं जो कि परस्यू कर रहे रिसर्च, तो उनके लिए ये स्कीम आई है।